एनसीईआरटी चैप्टर 2 में दो पार्ट था, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला और दूसरा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद अब हम लोग कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर को थोड़ा सा देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक डिवाइस है कैपेसिटर, जिसके इतने पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन और टाइप्स की बात करनी पड़ेगी, फिर उसमें एक स्पेशल टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फुल डिटेल पढ़ना है, बाद में आपको कैपेसिटर को कंबाइन भी करना है, फिर उसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ ये भी देखना है, और फाइनली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज का भी एक कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के एंड में देखना है। तो इतना पढ़ लेने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका समाप्त हो जाएगा और फिर हम दूसरे चैप्टर में जा पाएंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की बात करने शुरू कर लें हम लोग। तो कैपेसिटर क्या है, है ना, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अगर आप कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, अ डिवाइस, है ना, विच स्टोर्स चार्जेज, चार्ज को स्टोर करने वाला एक डिवाइस है। अब आप कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि बैटरी में भी तो चार्जिंग होती है, ठीक है, लेकिन बैटरी चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस नहीं है। आगे चल करके इसके बारे में करंट में पढ़ेंगे, फिलहाल कैपेसिटर ए डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। अभी अगर इसके बारे में पढ़ना शुरू करें कि ये बनता कैसे है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ओके, ये पहला कंडक्टिंग बॉडी है जो आप देख रहे हैं और ये दूसरा कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों ही कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी वन एक का नाम दे दीजिए और ये कंडक्टिंग बॉडी, है ना, टू। इसमें से एक बॉडी जो है सोर्स के साथ जुड़ा रहेगा, किसी भी चार्ज के सोर्स के साथ जुड़ा रहेगा, ये आपका सोर्स है। तो इसके पोटेंशियल को V1 अगर मान लें, क्योंकि सोर्स से जुड़ेगा तो चार्जिंग होगी, चार्ज जब आएगा तो उसके सरफेस और इनसाइड पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल भी मान लें V1। दूसरे बॉडी को जो है वो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी अर्थिंग, और इसके पोटेंशियल को हम V2 माने। सबको मालूम है कि जब अर्थ से कोई चीज़ जोड़ा जाएगा तो उसका पोटेंशियल जीरो, क्योंकि अर्थ का ओवरऑल पोटेंशियल जीरो माना गया है। तो यहाँ पर V2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में V1 इज इक्वल टू V मान लीजिए। तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस या बिटवीन टू बॉडीज़ की बात करें, तो दोनों बॉडीज़ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V1 माइनस V2 से डिनोट करेंगे। बिकॉज V2 जीरो है तो V माइनस जीरो इज इक्वल टू V हो जाएगा। ओके, अभी चलिए हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर तो देख लिया हमने कि एक डिवाइस है जो बेसिकली चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस क्या है, ये एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, किस चीज़ की एबिलिटी, टू स्टोर चार्ज। काम इसका आपने देखा था कि चार्ज स्टोर करेगा, तो एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज मेजर्ड, ये भी पता किया जाता है, एंड एक्सप्रेस्ड, साथ ही इसको एक्सप्रेस भी किया जाता है, है ना, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली हमें एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला कि जो चार्ज स्टोर करेंगे
वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कैपिटल सी मतलब कैपेसिटेंस से डिनोट करेंगे और ये भी हो जाएगा। ओके, वेयर अगर बात करें सी का तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी इज कॉल्ड, ठीक है, देख ही रहा है क्या, कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब कुछ कुछ बातें कैपेसिटेंस के बारे में जान लेनी जरूरी है। तो पहला, ठीक है, कैपेसिटेंस इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पिछली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, वो भी स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होगा। कैपेसिटेंस नेगेटिव होने का मतलब वो चार्ज स्टोर नहीं है ना, प्रोड्यूस करने लगेगा, और थोड़ा सा हम लोग वैसे केस में उसको चार्ज का सोर्स मानने लगेंगे। हम यहाँ सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी ही है। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का नेगेटिव में एक्सप्रेस नहीं होगा। ओके, अब हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, SI यूनिट, सभी क्वांटिटीज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके SI यूनिट डायमेंशंस ये पता होने चाहिए। फैराड होता है, फैराड, और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल F से। देखिए, आपने एक C इज इक्वल टू क्यू बाय वी लिखा है, तो अगर C को 1 फैराड लिख लें, ओके, तो Q जो होगा ये 1 कूलम, कूलम मालूम है चार्ज का यूनिट, और भी वोल्टेज ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो कभी आपको 1 फैराड डिफाइन करना पड़े तो आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इफ एक कैपेसिटर स्टोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 कूलम ऑफ चार्ज अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस इज सेट वी, तब कैपेसिटेंस को कितना बोलेंगे, 1 वोल्ट, सबको यूनिट करके बता देंगे। अच्छा, एक बात जान लें कि 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, बहुत लार्ज है। ये तब पता चलेगा जब आप किसी चार्ज का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, और तब 1 फैराड जब आए तो उसका साइज क्या होगा ये पता चल जाए तब। तो ऐसे हालात में हम क्या यूज करते हैं, देयरफॉर वी यूज 1 मिली फैराड, 10^-3 फैराड के बराबर होगा, 1 माइक्रो फैराड जो कि 10^-6 फैराड के बराबर होगा, 1 नैनो फैराड जो कि 10^-9 फैराड के बराबर होगा, 1 पिको फैराड है ना, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये सब आएगा, और 1 पिको को 1 माइक्रो भी बोलते हैं, 2 बार माइक्रो हो गया तो ऐसा, ये यूनिट आपको याद रखना है। अभी हम बात कर रहे थे कि डायमेंशन, ठीक है, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, आप कहाँ से इसको निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक काम कीजिए, चार्ज का डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है, अगर चार्ज का डायमेंशन याद है तो ठीक है, नहीं तो एक काम कीजिए, हाँ चार्ज का डायमेंशन तो याद ही होगा, उसके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायमेंशन लिखना होगा। तो आप जो ऐसे क्यू बाय वी लिख रहे थे, अगर वी भूल गए हैं तब भी एक चांस है, हम इसको डब्ल्यू बाय क्यू लिख सकते हैं, और डब्ल्यू बाय क्यू मतलब आप इसको क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये तो मैं बताया कि कैसे आप चलेंगे, तो उसके अनुसार क्यू आपका 80 होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर आपने लिख लिया, और वर्क के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख लिया। ओके, अब इसको कंबाइन कर लीजिए, तो देखिए m का पावर -1
एल का पावर, ठीक है, माइनस टू, एक का पावर माइनस, सॉरी प्लस टू हो जाएगा, वो लास्ट में लिखते हैं, और टी का पावर टू यहाँ से प्लस आएगा और ये टू, टी का पावर फोर, ए का पावर टू, ये हो गया डायमेंशन। ओके, तो निकालने का तरीका भी आपको मालूम हो गया, और इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए, कैपेसिटेंस का डायमेंशन नोट करने के बाद एक और बात जान लें कि कॉमन नेम जो है ये आपका कंडेंसर है। नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ कैपेसिटर इज कंडेंसर। ठीक है, अब ये कंडेंसर लगता कहाँ है, दिखता कैसा है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अपने मोबाइल में जब आप गूगल करेंगे इमेज ऑफ कैपेसिटर्स, तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगेंगे। ओके, अगर आप फैन देखेंगे तो फैन में एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल, है ना, बेलनाकार इक्विपमेंट लगा रहता है, जस्ट ब्लेड के ऊपर ही कवर किया रहता हुआ है। अगर वो पता करेंगे कौन सा डिवाइस है, तो आपको पता चलेगा वो कुछ और नहीं, क्या कैपेसिटर ही है, या कंडेंसर उसका कॉमन नेम है, जनरल कमर्शियल नेम कंडेंसर बोलते हैं। जब भी आप किसी शॉप में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल शॉप में, ये तो आप कंडेंसर के नाम से मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, और कंडेंसर बोलने के साथ ही मैक्सिमम लोग इसके बारे में जान जाते हैं। ओके, तो कॉमन नेम की बात हो गई। अभी देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ऑल्दो आपने देखा, क्या देखा, कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बट C जो है, मतलब कैपेसिटेंस, इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता है ऑफ बोथ Q एंड V, Q और V दोनों से इंडिपेंडेंट है। अगर ये Q एंड V दोनों से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, अगर आप एक एक्सिस में Q ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस में C ले लेते हैं तो ग्राफ कैसा होगा। इंडिपेंडेंट है मतलब Q पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा मतलब पैरेलल टू चार्ज एक्सिस। अगर दूसरी बात करें, हमने एक एक्सिस में Q के जगह V ले लिया और फिर कैपेसिटेंस की बात की, तब वैसे केस में कैपेसिटेंस फिर से वैसे ही न Q पे डिपेंड कर रहा है न V पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों के साथ कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, अगर Q प्रोपोर्शनल टू V है तो Q वर्सेस V का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक एक्सिस में आपने V रख लिया, दूसरे में Q रख लिया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। ये ग्राफ भी जाना पहचाना है, क्लास टेंथ में ओम्स लॉ में वी वर्सेस आई का ग्राफ इसी तरह से आता था। यहाँ कैपेसिटेंस पे क्यू वर्सेस वी या वी वर्सेस क्यू का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रहा है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, स्लोप में क्या हो जाएगा, तो ये वाला एक्सिस है ना बदल लीजिए, ठीक है, वी वर्सेस क्यू की जगह पर क्यू वर्सेस वी वाला कर लीजिए, तब आपको आसान रहेगा। ठीक है, इस एक्सिस में Q, इस एक्सिस में V, और तब स्लोप निकालिए, तो इधर से तो Q और इधर से V हो गया, ये Q बाय V कुछ और नहीं, क्या है, C। यानी अगर आपको मिल गया क्या चीज़, स्लोप ऑफ Q वर्सेस V ग्राफ, तो ये आपको दे देगा क्या, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक और बात इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ना, स्लोप के साथ साथ हम लोग एरिया भी निकालते हैं। ठीक है, कई बार हमने एरिया ऐसे ग्राफ का निकाला है, तो एरिया में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक एक्सिस से तो भी आएगा और एक एक्सिस से क्यू, चलिए अगर ऐसे एरिया निकाले तो हाफ भी आएगा, हाफ नंबर को छोड़ दें, ठीक है, तो क्यू इंटू भी आप याद किए थे जब आपने
पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, पोटेंशियल की बात की थी, तो W बाई क्यू इज इक्वल टू वी। तो अगर इस Q को उधर लेके चले गए तो Q इंटू वी W के बराबर, और यही वर्क है ना, जब भी कहीं पर किसी के अगेंस्ट होता है तो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पर ये Q इंटू वी, ये बेसिकली क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मैं बात ही कर रहा था, एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना है हम लोग को, तो यहाँ से मिल सकता है। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब रही कैपेसिटर के टाइप्स, ठीक है, तो कुछ बातें याद रखें कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ खास बातों पे। कुछ खास बातों में क्या क्या है, तो पहला है शेप एंड साइज, ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस पे, डिपेंड्स ऑन नंबर वन शेप एंड साइज, नंबर टू मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम आप इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लेस करते हैं, उसके हिसाब से कैपेसिटेंस बदलता जाएगा। अब और भी एक बात, तो डिपेंडिंग ऑन शेप पे डिपेंड होकर के कैपेसिटर्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्या क्या है, पहला तो स्फेरिकल है, स्फेयर से बनेगा, साफ बात है, जो स्फेयर से बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, जिसका शेप सिलेंड्रिकल होगा वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट है ना पैरेलल होंगे। तो ये सब इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर सकते थे और कर लिए।